दिल्ली में भड़की हिंसा। शोभा यात्रा में हिंसक झड़प के बाद हाई अलर्ट। हनुमान जन्मोत्सव में आखिर क्यों मचा बवाल। दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान बवाल मच गया। शनिवार को जहांगीरपुरी इलाके में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। शोभा यात्रा के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें पुलिस कर्मी सहित कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को जहांगीरपुरी से बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए देर रात 15 संदिग्धों को हिरासत भी लिया। स्पेशल सेल की कई टीमें जहांगीरपुरी इलाके में पहुंच गई हैं। स्पेशल सेल की टीमें सीसीटीवी फुटेज और इलाके के अपराधियों की लिस्ट खंगाल रही है। दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है और हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अचानक ऐसी घटना क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण रहे, ऐसे सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। इस उपद्रव को लेकर दोनों ही पक्षों का अपना अपना अलग दावा है। एक पक्ष ये दावा कर रहा है कि सुबह से ही अलग अलग शोभा यात्रा जा रही थी, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन पीछे से उन पर पथराव कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि उनके धार्मिक स्थल के अंदर दाखिल होने की लोग कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त शोभा यात्रा उनके धार्मिक स्थल से गुजर रही थी, कई बार वहां से आई और गई, लोग धार्मिक स्थल में घुसने और अपना झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद झड़प शुरू हुई। अब हकीकत क्या है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद डरावनी है। हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। उधर दिल्ली में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में पुलिस प्रशासन को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।